नमस्कार दोस्तों, मैं JSV यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेके हाजिर हुए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। तो आइए देर न करते हुए कुछ जो थ्योरी है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए। सपोज करिए दोस्तों, ये हो गया आपका नाव, ठीक है दोस्तों, ये नाव हो गया और ये मान लीजिए कि जल है, ठीक है, और ये आपका धारा हो गया दोस्तों। धारा ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर शांत ये जल है और इसमें नाव की जो चाल है एक्स किलोमीटर है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटा में ये एक्स किलोमीटर जा रहा है, और धारा की चाल जो है यहाँ पर मैंने मान लिया वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि नाव इधर ही जा रही है और धारा इधर ही जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नाव जिधर जा रही है उधर भी धारा जा रहा है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, जुट जाएगा। तो हम कहेंगे दोस्तों सेम डायरेक्शन में क्या होगा, इसका जो चाल है जुट जाएगा दोस्तों, जुट जाएगा यानी बोले तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि धारा के साथ नाव का चाल, धारा के साथ नाव की चाल SD बराबर हो जाएगा दोस्तों x प्लस वाई। SD इसी का वैल्यू है दोस्तों, SD बराबर आप x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार धारा के विपरीत नाव का चाल दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि नाव इधर से ये चल रही है, ठीक है, और धारा इधर बह रहा है, जब नाव इधर जा रही है और धारा इधर आ रहा है, तो क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, स्पीड जो है कम हो जाएगा, यानी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन को हम लिख सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा घट जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि OD बराबर एक्स माइनस वाई और ST बराबर एक्स प्लस वाई, ठीक है दोस्तों। अब आइए, तो मैंने बोला था कि शांत जल में नाव के चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जो है वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों अगर हमको शांत जल में नाव का चाल निकालना पड़ेगा, शांत जल में नाव की चाल दोस्तों एक्स बराबर हो जाएगा SD प्लस OD बटे में 2, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये हो जाएगा शांत जल में धारा की चाल हो जाएगा दोस्तों, और धारा की चाल आपको मैंने माना है y, तो y बराबर होगा SD माइनस OD बटे में 2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, SD प्लस OD बटे 2 बोले तो यही बात, SD प्लस OD बटे में 2, और धारा की चाल y बराबर SD, ये वाला SD माइनस OD बटे में 2। बस दोस्तों इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था कि जब ये इधर नाव जा रही है उधर से धारा बह रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा। अगर नाव जिधर जा रही है उसी साइड में धारा बह रहा है, जैसे मान लीजिए कि नाव इधर से जा रही है, और धारा भी इधर ही बह रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, जुट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए धारा के साथ नाव का चाल ST बराबर एक्स प्लस वाई, धारा के विपरीत नाव का चाल OD बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और शांत जल में नाव की चाल एक्स बराबर ST प्लस OD बटा 2, और धारा की चाल वाई बराबर SD माइनस OD बटा में 2। तो दोस्तों यही था नाव तथा धारा से कॉन्सेप्ट, और इसी पर हम क्वेश्चन इसी थ्योरी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर एक देखा जाए, तो आइए दोस्तों टाइप वाइज का क्वेश्चन हम एक बोर्ड पे लिखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। दोस्तों शांत जल में नाव की जो चाल होता है x बराबर दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों, और जो धारा का वेग है और धारा का जो y होता है ये दिया है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि धारा की दिशा में नाव का वेग यानी चाल, धारा की दिशा में नाव का चाल दोस्तों आपको पता है
धारा की दिशा में नाव का चाल यानी एस डी सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन बराबर आप ये भी कह सकते हैं एक्स प्लस वाई, दोनों दोस्तों वैल्यू बराबर ही हैं, यानी एस डी बराबर आप एक्स प्लस वाई बोल सकते हैं। तो धारा की दिशा में नाव का चाल एस डी बराबर एक्स प्लस वाई, तो हम दोस्तों बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू दिया है 12 और प्लस 3, तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर कितना जाएगा, 12 × 3 = 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत व्यक्ति का चाल क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि एक्स बराबर दिया है आपका कितना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए धारा का वेग बोले तो वाई, वाई बराबर कितना दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपसे कह रहा है धारा के विपरीत व्यक्ति का चाल क्या है, धारा के विपरीत व्यक्ति का चाल, दोस्तों आप जानते हैं विपरीत मतलब तो अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन को दोस्तों आप जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होता है, घट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ओडी बराबर है एक्स माइनस वाई के, या तो एक्स माइनस वाई लिखिए चाहे ओडी लिखिए, क्योंकि ओडी का वैल्यू ही एक्स माइनस वाई होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया है 16, वाई का वैल्यू दिया है 4, तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे क्वेश्चन में तो यही पूछा था कि धारा के विपरीत व्यक्ति का चाल क्या है, और विपरीत जब जाएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा उस व्यक्ति का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 नंबर, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। दोस्तों शांत जल में जो चाल दिया है एक्स बराबर दिया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कह रहे धारा का वेग, और धारा का वेग जो होता है दोस्तों वाई बराबर दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समझिएगा दोस्तों। अब कह रहे धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, यानी कि डिस्टेंस बटे में स्पीड। लेकिन दोस्तों ये धारा के अनुकूल जा रहा है, अनुकूल मतलब दोस्तों सेम डायरेक्शन में, तो आप ये कह सकते हैं कि एस डी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं एक्स का वैल्यू कितना है 13 और वाई का वैल्यू कितना है 4, तो हम कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में चाल जो है, यानी सेम डायरेक्शन में चाल कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों समय पूछा है, समय बराबर दूरी कितना दिया था 68, और स्पीड हमारे अनुसार कितना निकल गया सेम डायरेक्शन में 17, तो यहाँ पर 17 कर दीजिए, तो 17 × 64 यानी दोस्तों 4 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 4 घंटा। क्योंकि 17 की स्पीड से 68 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो 4 घंटा ही ना टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है। दोस्तों एक्स बराबर दिया है आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा धारा का वेग जो है वाई बराबर दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि तो धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों धारा के प्रतिकूल बोले तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई बोले तो एक्स 8 है और वाई 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 − 4, तो ओडी बराबर आ गया आपका कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे में चाल, दूरी था 36 और चाल है आपका 4, तो कट जाएगा, यानी फाइनली दोस्तों 9 घंटा ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों सेम डायरेक्शन में दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपोजिट डायरेक्शन में दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे दोस्तों पूछा है धारा का वेग वाई पूछा है, और शांत जल में तैराक की चाल एक्स पूछा है। तो पहले हम निकालते हैं धारा का वेग, तो y बराबर क्या होगा दोस्तों, y बराबर होता है एस डी माइनस ओ डी बटे में 2। तो एस डी है कितना 10, ओ डी कितना है 6, तो 10 में से 6 जगह कितना होगा दोस्तों, 10 में से यहाँ पे 6 घटा दीजिए, फिर 2 से भागा दीजिए,
तो 10 में से 6 हो जाएगा 4, 4 में 2 से भागा दीजिएगा तो धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों। ये दो बार में कट जाएगा, ठीक है, तो उधर हो जाएगा, हटा दीजिए, यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों। उसी प्रकार अगर आप शांत जल में तैराक की छाल एक्स बराबर होता है तो ये होता है एस डी प्लस ओ डी बटे में 2 बराबर, एस डी है आपका 10 और 6 16, डायरेक्ट करते हैं दोस्तों 16/2 यानी कट जाएगा 8, यानी कि एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहेंगे इसको लिखना तो लिख सकते हैं इस तरह से करके एस डी प्लस ओ डी, ठीक है। अगर चाहते हैं कि नहीं ये सब ना लिख करके डायरेक्ट हम करें तो दोस्तों आप जानते हैं धारा का वेग वाई, वाई बराबर क्या होगा, एक बार दोनों के जोड़ के एक बार दोनों का घटा के 2 से भाग दीजिए, 10 में से 6 हो जाएगा कितना 4, 4 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा 2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। ये आंसर हो जाएगा धारा का। और अगर आप जो है तैराक शांत जल में तैराक की चाल निकालेंगे यानी एक्स, एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 10 और 16, 16 में 2 से भाग दीजिए 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों एग्जाम में आप डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे, वो एस डी ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन एग्जाम में आप ऐसे करिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 2 देखा जाए। कह रहे एक नाव का वेग धारा की दिशा में, धारा के दिशा में बोले दोस्तों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आपका कितना दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और विरुद्ध बोले तो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों कितना दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसमें पूछा है शांत जल में यानी एक्स का वैल्यू दोस्तों पूछा है, एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब एस डी ओ डी न लीजिए, डायरेक्ट आइए हम करते कैसे हैं इसको। जब कहेगा शांत जल में तो एक्स बराबर हो जाएगा दोनों के सटा के 2 से भाग, तो दोनों के सटा के बोले तो 12/6 18/2, ठीक है। तो 18/2 दोस्तों इसमें भाग दे दीजिए 2 से, 2×9=18 यानी कि धारा का वेग हो जाएगा 9 किलो शांत जल में नाव का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि बताइए धारा का वेग क्या होगा, अगर पूछता तो, बट इसमें पूछा नहीं है, शांत जल में ही पूछा है, लेकिन अगर पूछा होता कि धारा का वेग बताइए तो दोनों के हटा के 2 से भाग, तो हटा के एक बार सटा के, तो ये सटा के दिए हैं, हटा के देंगे 12/6 = 6/2 यानी हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं, तो दोस्तों धारा के वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए, अगर धारा के विरुद्ध जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन यानी धारा के विरुद्ध, अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों चाल बराबर दूरी, दूरी है आपका कितना 15 और टाइम जो दोस्तों लग रहा है 5 घंटा, तो ये स्पीड कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चाल 5×3=15 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों तो सेम डायरेक्शन में दूरी 25 था लेकिन टाइम तो 5 ही लग रहा था, तो ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि धारा का वेग यानी वाई, तो वाई मतलब धारा का वेग पूछा है, तो दोस्तों इस एक बार हटा के 2 से भाग दे दीजिए, हटा के या घटा के 2 से भाग दीजिए, तो 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 में 2 से भागा दे देंगे दोस्तों, 2 में 2 से भागा दे देंगे तो ये कट जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप जो है शांत जल में नाविक की चाल निकालेंगे एक से यानी कि एक बार सटा के यानी एक बार जोड़ के 2 से भाग, तो 5×3 8/2 कटेगा 4 बार में यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगते हैं, धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों धारा के विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों चाल बराबर दूरी, दूरी दी है 18 किलोमीटर और समय जो है प्रत्येक दशा में 3 घंटा, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड। सेम डायरेक्शन में दोस्तों हो जाएगा आपका दिया है 24 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, यानी कि जिधर धारा बह रहा है उधर भी ये जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया चाल बराबर दूरी और टाइम जो है इसका 3 घंटा ही ले रहा है, करा है ना प्रत्येक दशा में, तो ये दोस्तों ये कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा धारा का वेग, दोस्तों वाई
वाई बराबर क्या होगा, एक बार हटा के दूसरे भाग दे दीजिए, ये एक बार हटा के दूसरे भाग दे दीजिए, बात एक ही है। तो आठ में से छः हो जाएगा दो, और दो में दो से भाग दे दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, एक किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया आपका धारा। और शांत जल में नाविक चाल यानी एक्स, तो एक बार दोनों को जोड़ के दो से भाग दीजिए, तो आठ छः चौदह, चौदह में दो से भाग दीजिए, कितना होगा दोस्तों, सात किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि धारा का वेग y बराबर एक किलोमीटर प्रति घंटा, और नाविक की जो चाल है ये हो जाएगा सात किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आइए दोस्तों टाइप थ्री का क्वेश्चन नंबर एक देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का चाल धारा की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों 16 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की दिशा में, यानी कि सेम डायरेक्शन में, यानी हो जाएगा आपका, हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेम डायरेक्शन बोले तो x प्लस वाई बराबर हम कह सकते हैं 16 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों धारा का जो वेग है वाई बराबर दिया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों अगर एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 16, और y का वैल्यू यहाँ पर दिया है, y का वैल्यू दिया है 2.5 बराबर कितना होगा 16, तो x बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 13.5। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 13 2 15.5 यानी 16 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 13.5 जो है ये हो गया आपका x का मान निकल गया। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है धारा के विपरीत दिशा में उस व्यक्ति की चाल क्या होगा, और आपको पता है धारा के विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोस्तों आपसे पूछा है x माइनस वाई बराबर क्या होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में उसका स्पीड क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा। तो दोस्तों x का वैल्यू आया है आपका 13.5 और y का वैल्यू है कितना 2.5। तो दोस्तों ये अपोजिट डायरेक्शन में इसका चाल आपसे पूछा था, तो 13 में से घटा दीजिएगा, 13.5 में से 2.5 घटा दीजिएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो देखा जाए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तैराक धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तैराक का चाल धारा के विपरीत क्या है। दोस्तों तैराक धारा के दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, धारा के दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन को दोस्तों हम x माइनस वाई से भी लिख सकते हैं, ये दिया है आपका 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा का जो वेग है y, y बराबर दिया है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तैराक का चाल धारा के विपरीत क्या होगा। दोस्तों पहले यहाँ पर निकाल दिया जाए, एक्स का वैल्यू निकाला जाए, तो एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 21, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू पहले निकाला जाता है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है 4 बराबर कितना हो जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेम डायरेक्शन में दोस्तों जुट जाता है, तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, तो फिर यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक्स बराबर आपका उधर जाएगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि तैराक का चाल धारा के विपरीत, यानी विपरीत बोले तो दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन, और ओडी बराबर हम कह सकते हैं एक्स माइनस वाई, तो एक्स का वैल्यू दिया है आपका कितना 17, वाई का वैल्यू कितना है 4, तो दोस्तों ओडी बराबर हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा के दिशा में, धारा के दिशा बोले तो दोस्तों सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन को हम x माइनस वाई भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये दिया है आपका कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग जो दोस्तों दिया है y, ये दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यानी कि हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 15, और y का वैल्यू यहाँ पर दिया है दोस्तों कितना 3, बराबर कितना हो जाएगा 15। तो दोस्तों ये x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 18। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि नाव का धारा के विपरीत वेग क्या है। दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में आपसे स्पीड पूछा है, तो OD बराबर हो जाएगा x माइनस वाई, और x का वैल्यू यहाँ पर निकल गया 18, और y का वैल्यू है कितना 3, तो दोस्तों OD बराबर हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जो होता है ना दोस्तों जुट जाता है, तो x प्लस वाई, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है,
तो ये हो जाएगा उधर जाके घटेगा 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था जिसकी वजह से ये हमारा कुछ अलग आंसर आ रहा था, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट की शांत जल में चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यानी कि शांत जल में चाल यानी एक्स का वैल्यू दिया है दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, धारा के अनुकूल बोले तो दोस्तों सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन बोले तो दोस्तों एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। और ये दिया है आपका 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दिया है दोस्तों, ठीक है, 80 किलोमीटर। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ ये चाल निकाल दिया जाए, चाल निकालेंगे तो इसका चाल बराबर हो जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन में चाल बराबर दूरी और बटे में समय, समय हो जाएगा दोस्तों 1 घंटा 20 मिनट। देखिए यहाँ पर तोड़ते हैं 1 घंटा 20 मिनट, मिनट को घंटा में बदलेंगे, 20 60, 3 × 3 = 4/3, तो 4/3 से करेंगे, 3 ऊपर चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये काट देंगे 20 का 80 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 20 × 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों आपको पता है कि एस डी बोले तो एक्स प्लस वाई सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में आपका जुट जाएगा दोस्तों, यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ गया 60 और एक्स का वैल्यू दिया है 45, एक्स का वैल्यू दिया है 45, वाई बराबर हो जाएगा 60। इसलिए दोस्तों वाई बराबर कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों हम कहेंगे कि शांत जल में जो नाव का चाल था ये था, और जो धारा का जो मेरा स्पीड आया है, धारा की स्पीड जो आया है ये वाई, वाई आया है कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है उतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा, और दोस्तों समय बराबर दूरी, दूरी दिया है 80 किलोमीटर, और चाल अगर विपरीत दिशा में चाल होगा तो 45 और ये हो जाएगा आपका 15, घट जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा इतना, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूर्णांक तोड़ेंगे 2 सही 2/3, मिनट है दोस्तों घंटा में बदलेंगे, ठीक है, सॉरी घंटा है मिनट में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20, तो हो जाएगा दोस्तों 2 घंटा 40 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टाइप 4 का पहला देखा जाए। तो दोस्तों एक नाव 15 किलोमीटर की चाल से धारा के विपरीत दिशा में जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में ये दिया हुआ है आपका, अपोजिट डायरेक्शन बोले तो घट जाएगा दोस्तों, तो एक्स माइनस वाई ये आपका कितना दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग वाई बराबर कितना दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 15, तो एक्स और वाई का वैल्यू दिया है 3/15, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया दोस्तों। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि धारा की दिशा में नाव का वेग क्या है, धारा के दिशा में नाव का वेग क्या होगा। तो आइए दोस्तों धारा की दिशा में नाव का वेग क्या होगा देखते हैं इसको करके। तो दोस्तों धारा की दिशा में नाव का चाल, तो धारा की दिशा में नाव का चाल हो जाएगा दोस्तों यानी कि सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में हो जाएगा एक्स प्लस वाई। दोस्तों एक्स का वैल्यू आपको पता है 18 प्लस वाई का वैल्यू आपका कितना है 3, तो हो जाएगा दोस्तों एस डी बराबर यानी कि धारा की दिशा में जो नाव का चाल है 21 किलोमीटर पर घंटा। तो दोस्तों यहाँ पर धारा का सेम डायरेक्शन में ये नाव का वेग हो जाएगा या चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 2 देखा जाए। एक तैराक धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तैरता है, दोस्तों यानी अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो स्पीड दिया है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ पर धारा का जो वेग है यानी कि वाई ये दिया है आपका 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। और अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 12, ठीक है, और एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया है आपका कितना 1.5 बराबर हो जाएगा 12, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा 13.5, ठीक है, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि धारा की दिशा में तैराक का चाल क्या होगा। दिशा बोले तो दोस्तों सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में होता है एक्स प्लस वाई, और एक्स का वैल्यू आपका दिया है 13.5 और वाई का वैल्यू दिया है 1.5। तो दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो एस डी बराबर यानी
हो जाएगा 13 × 14 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए 4 नंबर सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है दोस्तों, यानी अपोजिट डायरेक्शन में 13 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, और वाई यानी कि धारा का जो स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों आपको पता है कि अगर आप धारा के विपरीत जाइएगा तो आपका चाल घटेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में घट जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा दोस्तों 13 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई का वैल्यू दिया है दोस्तों यहाँ पर 4 है ना, तो ये हो गया 13, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 13 × 4 = 17 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा धारा के अनुकूल। तो दोस्तों सेम डायरेक्शन में पूछा है, सेम डायरेक्शन में कितना हो जाएगा दोस्तों, सेम डायरेक्शन में चाल हो जाता है एक्स प्लस वाई, जहाँ एक्स का वैल्यू दिया है 17 प्लस वाई का वैल्यू दिया है 4, यानी SD बराबर हो जाएगा आपका 21 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपसे पूछा है समय, समय बराबर होता है दूरी, दूरी दिया है 84, और सेम डायरेक्शन में दोस्तों कहा था कि सेम डायरेक्शन में धारा के अनुकूल बोले तो सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में दोस्तों यहाँ पर स्पीड कितना है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर दूरी बटे में चाल, चाल है 21, कट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 4 घंटा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, जो कि टाइप 4 का लास्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यानी एक्स बराबर दिया है दोस्तों, एक्स बराबर दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कह रहा है यह धारा के विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। तो चाल बराबर दूरी और बटे में समय, समय है 1 घंटा 45 मिनट, मिनट को घंटा में बदल दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों 1 घंटा 45 मिनट को घंटा में बदलिए, 15 × 45, 15 × 4 = 60, 4 × 1 = 3, 7/4, तो यहाँ पर भागा दीजिए 7/4, 4 ऊपर चल जाएगा दोस्तों, 7 × 8 = 56, 8 × 4 = 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 32, जहाँ एक्स का वैल्यू दिया है 36, 36 माइनस वाई बराबर हो जाएगा दोस्तों 32, इसलिए वाई बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में कह रहा है उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल, यानी सेम डायरेक्शन में, और दोस्तों सेम डायरेक्शन बोले तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और एक्स का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, एक्स का वैल्यू दिया है 36 और वाई का वैल्यू दिया है 4, यानी हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आपसे पूछा है समय, समय बराबर होता है दूरी, और दूरी दिया है उतना ही दूरी यानी 56 किलोमीटर दूरी, और यहाँ पर टाइम चाल कितना दिया है 40, तो काट दिया जाए 14 × 4 = 14, और ये हो जाएगा 10 × 4 = 10, ठीक है दोस्तों, ये 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10। दोस्तों 7/5 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 1 घंटा, 1 सही 2/5 घंटा, दोस्तों इसको मिनट में बदल देंगे तो 1 घंटा 2/5 60 से, तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, यानी दोस्तों 1 घंटा 24 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए, एक कैमरा से बाहर चल गया था तो आप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया था समय बराबर दूरी, दूरी दिया है 56 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर दिया है 56 किलोमीटर, और ये हमारा जो सेम डायरेक्शन में स्पीड निकला था 40, तो समय बराबर दूरी बटा दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल से भाग दे दिए तो 1 सही 2/5 घंटा आया था, और इसको मैंने मिनट में बदल दिया, 1 सही 2/5 घंटा को मिनट में बदलेंगे, 60 से गुना करेंगे तो 12 × 2 = 24, यानी 1 घंटा 24 मिनट दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें, ताकि इससे अपने आपके दोस्तों को भी इससे बेनिफिट पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।